गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11। यहाँ पर मैंने फॉर्मूलाज लिखी है। पैरेललोग्राम, एरिया इज इक्वल टू बी इनटू एच, ये है पैरेललोग्राम जिसका एरिया हमें फाइंड करना हो तो कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, बी इनटू एच, वेयर बी मीन्स बेस एंड एच मीन्स हाइट। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब कोई भी शेप हमको दिया हो उसकी हमें जब पेरीमीटर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, उसकी सारी साइड का प्लस सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल फोर साइड, सम मतलब प्लस, उसकी चारों चार साइड का जो मेजरमेंट होता है उसका प्लस करेंगे तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। रोम्बस, रोम्बस के एरिया की फॉर्मूले है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स मतलब ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसके डायगोनल्स कौन से हुए, एसी एंड बीडी, ओके एसी एंड बीडी इसके डायगोनल्स हुए। ट्रेपेजियम, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो इसके पहले हमने सर्कल के सम्स किए थे, ओके तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड ए सर्कल फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। तो सर्कल के लिए हमने किया था, अब हम सेमी सर्कल के सम्स करेंगे और उसके बाद में हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके इसके रिलेटेड सम्स करेंगे। सेमी सर्कल, ओके सर्कल के लिए हमने एरिया कहा था कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr। अब यहाँ पर सेमी सर्कल की बात हो रही है, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, तो हाफ सर्कल की एरिया की फॉर्मूला है 1/2 पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, या हम क्या कह सकते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस भी कह सकते हैं, ओके पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस बोथ मीनिंग सेम। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। अब हम ये मेथड पे सम्स करेंगे। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर, ओके तो हम यहाँ पर पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ सेंटर से यहाँ तक मेजरमेंट है 14 सेंटीमीटर, ये है इसकी रेडियस, ओके अब हमको रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर और फॉर्मूला भी है, तो कितना इजी सम है सेमी सर्कल का भी। देखो ये चैप्टर आपको देखने में बहुत टफ लगेगा पर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। क्यों, कब इजी लगेगा, कि जब आप सारी फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे। फॉर्मूला लर्न नहीं होगी तो फिर शेप में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत सारे शेप दिए हैं इसमें अननोन जो हम पहली बार सुन रहे हैं, ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम,
ठीक है, तो ये सब नए शेप है आपके लिए। बाकी स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो हमारे लिए नए नहीं है। ओके, तो सारे फॉर्मूलाज पहले एक पेज में अच्छे से लिख देने की, और फिर कोई भी फॉर्मूला का आप सम करोगे तो फिर आपको वो करेक्ट आएगा आंसर, क्योंकि आपकी फॉर्मूला करेक्ट अप्लाई की हुई होगी। तो मेन बेस है कि हमें ये चैप्टर में जितनी भी फॉर्मूलाज हैं सारी पहले एकदम से लर्न कर देनी है। अब यहाँ पर है सेमी सर्कल। देखो, सर्कल की फॉर्मूला भी अलग और सेमी सर्कल की फॉर्मूला भी अलग, ठीक है। तो फॉर्मूला पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। ओके, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसके पहले सर्कल था तो हमने फुल सर्कल ड्रॉ किया था, अब ये हाफ सर्कल, सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। अब हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। वन हाफ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो वन हाफ पाई कितना है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब रेडियस 2 टाइम्स, रेडियस है 14, 14 × 14। ओके, 7 × 14, 2 कट हो गए, 22 × 14 करना पड़ेगा हमें। क्या है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर प्लस 2 आर। ओके, पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 14 प्लस 2 × 14। ओके, इसका आप सिंप्लीफाई करेंगे, 7 × 14, 22 × 14 प्लस 2 × 14 = 28 प्लस करेंगे 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आएगा सेमी सर्कल का 72 सेंटीमीटर। ओके, देखो फिर से पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 πr² एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2 आर। सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया, हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 πr² जिसमें वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई किया तो क्या आंसर आया हमारा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, उसकी फॉर्मूला क्या है, पाई आर प्लस 2 × r। पाई आर, पाई कितना है 22/7 मल्टीप्लाई आर है 14 प्लस 2 × 14, इसका सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 72 सेंटीमीटर। ओके, तो ये है सेमी सर्कल का सम। फॉर्मूलाज एकदम इजी है, मेन आपको फॉर्मूला ही लर्न करनी है। ओके, अब हम रोम्बस की फॉर्मूला के सम्स करेंगे। तो हम पहले उसकी फॉर्मूला ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब हम ये फॉर्मूला के सम्स करेंगे। नंबर 1, मैं बार बार नंबर 1 क्यों दे रही हूँ, क्योंकि नई फॉर्मूला लिख रहे हैं हम,
तो नई फॉर्मूला था नंबर वन, फिर अगर दो सम्स हम दो एग्जाम्पल करते हैं तो नंबर टू दे देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के सम्स करेंगे, इसे इसके लिए मैंने नंबर वन दिया है। Find the area of a rhombus whose diagonals are of length 12 cm and 10 cm. तो पहले rhombus draw कर देंगे, जिसके ये diagonals हैं, ठीक। एक diagonal का measurement है 12 cm और दूसरे का 10 cm, ओके। ये diagonals है मतलब दो लाइन एक दूसरे को intersect करती है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। वन हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो वन हाफ, दो डायगोनल्स कौन से हैं, 12 मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ओके। 2 6 12, 10 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या एरिया आया, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमको थोड़ा ट्विस्ट करके सम दिया हो कि एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया हो, एरिया का मेजरमेंट दिया हो और दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट हमको फाइंड करना हो, इस तरह से भी, जैसे वो एरिया पेरीमीटर में एरिया दिया हो और लेंथ ढूंढनी हो, इस तरह से भी होता है ना। ऐसा नहीं कि हर बार लेंथ ब्रेथ दी हुई हो और आपको एरिया पेरीमीटर फाइंड करने हो, कभी ऐसा ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है। तो ये तो सिंपल सम था कि दो डायगोनल का मेजरमेंट दिया था और हमें उसके एरिया का मेजरमेंट फाइंड करना था, ओके। अब दूसरा सम ऐसा करेंगे कि जिसमें हमें डायगोनल का मेजरमेंट फाइंड करना हो, ठीक है। पहला एक और इसी तरह का हम सम्स कर लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, सिर्फ मैं नंबर्स चेंज कर देती हूँ, 15 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ओके। सेम सम है, अभी दो सम एक मेथड के कर लेते हैं, फिर से मैं इसका रोम्बस शेप ड्रॉ कर दूंगी। जिसकी 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, एक डायगोनल का मेजरमेंट है 12 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर। तो अब हमने ये फॉर्मूला लिखी है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब वैल्यूज रख देंगे, वन हाफ मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम कटिंग करेंगे, 2 6 12, 15 6 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है ना, दो डायगोनल्स के मेजरमेंट दिए हुए हो और हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, तो बहुत इजी सम है। अब हम कैसे सम करेंगे कि हमें एरिया दिया है, एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया है और दूसरा डायगोनल का मेजरमेंट हमको फाइंड।
फाइंड करना है। थर्ड नंबर The diagonal of a rhombus is 24 centimeter and its area is 360 centimeter square. Find the length of the other diagonal. Okay, अब यहाँ पर diagonal draw कर देते हैं। जिसके ये diagonals हैं दो, एक का measurement है 24 centimeter. दूसरे का हमें फाइंड करना है और एरिया हमको दिया हुआ है। ओके, तो हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? एरिया ऑफ रोम्बस वाली। एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया है हमें? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक यहाँ पर दोनों मत की लिख रहा है तो हम इसको नाम देते हैं। चलो ए बी सी डी, तो दो डायगोनल्स कौन से हुए? ए सी मल्टीप्लाई बी डी। ओके, अब 360 इक्वल टू 1/2, ए सी है 24 और बी डी हमको फाइंड करना है। तो ये कट हो गया, यहाँ पर 12 ऐसा होगा, 12 मल्टीप्लाई बी डी इज इक्वल टू 360, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 360 अपॉन 12 थ्री जा एंड जीरो, तो आंसर आया 30 सेंटीमीटर। दूसरी डायगोनल का मेजरमेंट कितना आया? 30 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से ये डायगोनल के सम हम करते हैं। ठीक है, अब इसी में मैं आपको अगर कुछ दूसरा मेजरमेंट दे दूं तो भी आपको आना चाहिए कि कोई भी एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया हुआ हो, एरिया दिया हुआ हो, तो दूसरे डायगोनल का जो है मेजरमेंट हम इस तरह से फाइंड कर सकते हो। कि फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो हियर वी हैव गिवन एरिया ऑफ रोम्बस एंड वन मेजरमेंट ऑफ डायगोनल। दो डायगोनल होते हैं, उसमें से एक डायगोनल का मेजरमेंट हमको दिया है, दूसरे डायगोनल का मेजरमेंट हमको फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखी, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो एरिया कितना दिया है हमें यहाँ पर? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैंने दो डायगोनल को नाम दे दिए, ए सी एंड बी डी। अब हमें एक डायगोनल का मेजरमेंट दिया है और एरिया का मेजरमेंट दिया है, तो ऐसे लिखेंगे 360 इज इक्वल टू
वन हाफ मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बी डी। अभी 2 और 24 कट हो जाएंगे, 2 12 जा 24, तो 12 मल्टीप्लाई बी डी इज इक्वल टू 360 साइड हमने चेंज कर दी, बीच में इज इक्वल टू की साइन हो तो हम साइड को चेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू 360। अभी 12 जो बी डी के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है ऑपोजिट साइड में जाएगा तो वो डिवीजन के सिंबल में चला जाएगा, तो 360 डिवाइड बाय 12 तो क्या आंसर आएगा, 12 30 360 मतलब 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ अदर डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आज हमने डायगोनल और सेमी सर्कल के सम्स किए, अब मैं आपको ट्रेपेजियम के सम्स करवा रही हूँ। पहले हम ट्रेपेजियम की फॉर्मूला अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रेपेजियम की फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जब हमें ट्रेपेजियम फाइंड करना हो तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब हम इसका ये फॉर्मूला को यूज करके सम्स करेंगे। The parallel sides of a trapezium are 13 cm and 7 cm. Trapezium में जो parallel side का measurement दिया है आपको 13 cm and 7 cm and the distance between them is 10 cm. और वो दो line का distance बीच में कितना है 10 cm, तो find its area. Okay? तो हम पहले तो ये formula लिखेंगे इसकी। सिंप्लीफाई
किया तो हमारा आंसर आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का सब होता है तो स्क्वायर लगाना कंपलसरी होता है। ओके, तो अभी यहाँ हमारा ट्रेपेजियम, डायगोनल्स, वो रोम्बस, वो सारे टॉपिक्स क्लियर हुए। अब अगली बार हम टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, उस तरह के सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।